हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ललिता आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी को एक नए ब्लॉग में। तो दीपावली की सुबह में सोमवार को छुट्टी था हस्बैंड को, तो शाम को मैं, आयुष और पतिदेव, हम तीनों आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो मुझे तो सुकून चाहिए, आयुष इंजॉय करेगा और मुझे सुकून चाहिए, ठंडी ठंडी हवा चाहिए। और मेरा ना एक आँख का ना, मतलब कभी कभी ऐसा थे, कभी ये आँख कभी वो आँख, दोनों मतलब महीना में एक दो बार दर्द करता ही रहता, तो आज भी ऐसा ही हाल है। तो हस्बैंड से मैंने बोला कि कहीं नहीं जा रहे, तब मंदिर तक जाते हैं, घूम फिर के आ जाएंगे। तो हम लोग वॉकिंग के लिए चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। और देखिए ये कौन सा पेड़ है यहाँ, एक बार मतलब एक जगह और मैंने देखा था, पता नहीं इस ये कौन सा फर है या शोपीस है या इसमें फूल भी मैंने देखा है, लेकिन फर भी है। और साइड पूरा ना यहाँ से लेके यहाँ वहाँ तक लास्ट तक पेड़ लगाया है, जलेबी का पेड़ है और जलेबी में ना फूल भी लगा हुआ है। तो कुछ महीने के बाद इसमें ना जलेबी भी आ सकता है। और ये यहाँ से देखना ना खूब मतलब अच्छा लगता है देखने में खूबसूरत। और साइड में रोड, तो यहाँ पे सुकून पाने के लिए आती हूँ कभी कभी। रोदा पड़े छे पूरा पर चमक पत्थर फेंकबे, चल पत्थर फेंकते यो, पत्थर मिलत तो अंजलि ला लो ली एक दुगो, नहीं मिल रहा। ओत गिरल जत गल रहता था, ये अहाँ के दूर गया। देखिए दोनों के ढेला फेंके तो दोनों है, इतनी दूर नहीं, वैसे बेसी दूर नहीं जाए वाला छो, पप्पे के ज़्यादा दूर गए। तो यहाँ पे आयुष और पतिदेव दोनों ना एक एक आयुष तो ज़्यादा पत्थर फेंका, पतिदेव तो एक ही फेंका। और मैंने बोला कि मुझे भी फेंकना है, तो पतिदेव बोले नहीं, लोग देखेंगे तो डांटेंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हैं ये लोग, बच्चे कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो फिर मैं कहाँ मानने वाली थी, मैं भी ना एक दो पत्थर फेंक ही दिया पानी में। और यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ चल रहा था कि बच्चों को लेने मतलब जगह नहीं, लेके आने के लिए ऐसा जगह नहीं है, लेके आए यहाँ से पे। तब पे देखते लड़का लड़की है ना, वो कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे जो हम दिखा नहीं सकते, नहीं बोल सकते आपको। तो यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, एक भैया बैठ कर ना वहाँ पे पूजा उजा का सामान सब था उसमें से कुछ निकाल रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे ये बगुला ना इतना ज़ोर ज़ोर से दो तीन बार ऐसे मतलब चीखा ना, बिना मार का ना होता है ना कि चिलाना, तो वही कर रहा था यहाँ पे बगुला। और यहाँ से खूबसूरत दिख रहा है पूरा नदी। तो मेरा मन था उस तरफ जाने का, लेकिन यहाँ पे एक मतलब पाइप लगा, मतलब बमा जैसा बना हुआ है पानी जाने वाला, तो वहाँ पे बैठा हुआ था कोई, मतलब वीडियो बना रहे थे कैमरा वमरा लेके, तो फिर मैं बीच से नहीं गई। और यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। और सर दर्द तो मतलब घूमती हूँ तब तक तो ठीक रहता है, अब बाहर फिर घर में आऊँगी ना तो फिर जोर से स्टार्ट हो जाता है सर दर्द। तो आते आते रास्ते में हमें आइसक्रीम दिखा, तो हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए रुक गए हैं। तो हम तीनों आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद घर चलेंगे। उसके मतलब काम कुछ थोड़ा बहुत काम है, सब्ज़ी लाने के लिए जाना है मार्केट। देखिए आइस चॉकलेट वाला लिया, और मेरा कौन सा था पता नहीं, मुझे उतना पसंद नहीं है ये वाला आइसक्रीम, पैकेट वाला रहता ना वो वाला अच्छा लगता है, ये वाला आइसक्रीम मुझे पसंद नहीं है। और थोड़ी दूर आई तो वहाँ पर आई अंजलि के लिए बुक चाहिए था, तो वहाँ पर हम लोग बुक लिए। फिर यहाँ पे आइस को घर में छोड़ के फिर हम लोग आ गए हम सब्ज़ी मार्केट। और यहाँ पे सब्ज़ी ले रहे हैं, तो प्याज का तो रेट मतलब कम ही नहीं हो रहा है,
बहुत महंगा हो गया है, प्याज भी, आलू भी और टमाटर भी, सब कुछ ना महंगा हो चुका है। फिर हम लोग ना दीपावली दिन ना मैं छुरछुरी नहीं जलाई, जलाई तो आयुष जलाया था एक दो, मैं उतना नहीं जला पाई, तो फिर घर में बच्चा हुआ था तो सोचे क्या करें वहीं वेस्ट हो जाएगा। और पिछले साल का ये सारा छुरछुरी पटाखा इस बार नहीं आया है घर में पटाखा उटाखा, तो हम तीनों बैठ कर जला दिए हैं।